जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई 2 करोड़ के जवाहरात की चोरी मामले में पुलिस ने मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया है। उससे 23 किलो तैयार नगीना नीलम पुखराज माणक पन्ना बरामद किए हैं। वसीम अपने साथी के साथ हैदराबाद भागने की फिराक में था। उसने फ्लाइट की टिकट तक करा लिए थे। डीसीपी नॉर्थ परीस देशमुख ने रविवार दोपहर करीब 3 बजे ब्रह्मपुरी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माउंट रोड स्थित यूनिस चौधरी जवाहरात की गद्दी से 2 करोड़ के जवाहरात चोरी हुए थे। देर रात वसीम एक साथी के साथ दुकान में घुसा सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। तिजोरी का ताला कटर मशीन से काट कर तैयार माल लेकर भाग गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक साथी के जरिए कई दिनों से दुकान की रेकी कर रहा था। इसमें गद्दी पर काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी की भी मिलीभगत सामने आई है। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक वसीम अपने साथी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देकर घर में चोरी किए गए माल को छुपा दिया था। जांच पड़ताल करने पर पुलिस ने गद्दी के आसपास के करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान मुखबिर से वसीम के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देते हुए मोहम्मद वसीम को आदर्श नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वसीम ने बताया कि उसने गद्दी पर काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी की मदद से हीरे की करवाई थी। उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था। वो कई बिजनेस कर चुका है लेकिन सभी बंद हो गए हैं। कर्जा चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चोरी के माल को हैदराबाद ले जाने की फिराक में था। इसके लिए आरोपी ने फ्लाइट की टिकट भी करा ली थी। इससे पहले ही नॉर्थ जिले की स्पेशल पुलिस टीम को आरोपी के बारे में सूचना मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। एरिया तक पहुंची, यहां से टेक्निकल एनालिसिस की भी एक बड़ी भूमिका। दोनों को मिलकर जो पिन पॉइंट हमने किया तो पूरा का पूरा माल हमें